अभी यहाँ देवर जी का लाश पड़ा होता और हम सब लोग रो रहे होते। और ससुर जी और नंदोई जी चंदन का लकड़ी ढूंढ रहे होते। अब फोन बंद आ रहा है निम्के का। तो वो वीडियो को फोन लगाइए, वो टुनवा को फोन लगाइए। आप तो फैमिली मेंबर है ना उन लोगों के। लगाइए फोन डब्लू भैया, नहीं तो बाऊजी आपका नंबर लगा देंगे आज। और बोलिए अपनी बहन से कि वापस आए घर, समझे? लीजिए। स्वीटी जी, पता कहां भागे थे? बता। निम्की को देखने गए थे। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब तुम्हारा हाथ पैर बांध के रखेंगे। चल। जैसे रखना है रख लेना बब्बू, जो चाहोगे वो करेंगे, तुम्हारा सब बात मानेंगे। रे बाप रे, ये तो एकदम ही बदल गई। हम ना आप लोग कब सबका बात मानेंगे, कभी हवेली के खिलाफ नहीं जाएंगे। बस पप्पू हमरा ना एक बात मान लो, निम्की को अपना लो। का बकवास कर रही है रे तुम? पगला गई है का? मगध पर चोट लगा है का रे तुम रे? बब्बू हम पाँव पड़ते हैं तुम रे। हाथ जोड़ के निम्की को अपना लो बब्बू। अरे जो हुआ ना वो भूल जाओ, हम निम्की से भी कहेंगे सब भूल जाएगी, हमरा बात जरूर मानेगी। चुप कर, पागल हो गई है का? धतूरा खा लिया का है तू? बब्बू अपना लो ना निम्की को। अरे नाटक ड्रामा का पक रही रे, हमरा बब्बू अपनाएगा उस छौड़ी को, ओकरे औकात है रे? और वो भी इतना सब होने के बाद। स्वीटी जी आप ना कमरा में जाइए, आपका ना मानसिक संतुलन हिल रहा है। बब्बू अरे हमरा बात मान लो, निम्की को अपना लो। यू गर्भ से है। बच्चे का मां बन रही है वो। क्या बोल रही है स्वीटी? हाँ भैया, निम्की गर्भवती है।
अब ना, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम उसके बच्चे का बाप हो। उसको अपना लो बब्बू, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा निमकी का। उसको अपना लो। ये क्या बकवास कर रही हो? पगला गई हो? अरे वो गर्भवती है तो इससे हमको कहा? कौन बोला तुमको ये हमारा बच्चा है? वो वीडियो का मोहरा बन के आई हो, नया खेला शुरू। वाह, भीख मांगते हैं तुमसे बब्बू, निमकी को अपना लो। ए दामाजी, बहुत हो गया इसका नफर। ए ए छरिया, डायमंड ले जा, पकड़ के ले जा, हाथ पैर बांध के अंदर बंद कर कमरा में इसको। रह तू, चल निकल एकदम नजर के सामने से, चल जा। आप आइए बब्बू, आइए कमरा। बब्बू हमरा बात, अरे बात मान लो बब्बू हमरा, अरे उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमरा बात तो मानो बब्बू। मैया, सासू जी, आप तो निमकिया को मारने का सोच रही थी, उलझा दी फिर आपको, अब क्या करेंगी आप? वीडियो बाबू डॉक्टर से बात कर रहे हैं। बउआ, हमसे दूर जाना चाहती हो? हम ही चले जाते हैं, तुम इधर ही बैठो। अंदर जाओगी तो निमकी उठ जाएगी। हम दीदी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमें डिस्चार्ज करेंगे निमकी को, भी सोने दो उसको, उठ जाएगी तो ये दुनिया उसको काटने को दौड़ेगा। क्या लगता है तुमको वीडियो बाबू कैसे हैंडल करेंगे ये सब? वीडियो बाबू का छोड़ो ना, अभी तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे या क्या करना चाहिए। दीदी तो पता नहीं, क्या तुम श्राप में यकीन करते हो? चाची ये सब पे विश्वास करती है, मगर हम नहीं करते थे। कहे कि पापा हम लोग को ही सिखाए थे कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, यही पूछते हैं हम, यही पूछते थे। मगर अब पहले तो हम लोग केस हार गए और अब ये सब, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का नजर लग गया है, पूरा समय हम लोग का पीछा ही नहीं छोड़ा है। मगर हमरी दीदी वो कब किसी के साथ बुरा की है जो ही सब? निमकी किसी का बुरा नहीं किया, मगर अब जो उसके साथ हो रहे हो, कहा जाने लोग सब जानेगा कि निमकी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई है। हम सब बर्बाद हो जाएंगे, सब सब दुनिया थू थू करेगा दीदी पे। ये थू थू करेगा है? इसमें निमकी का गलती है ना, कोने पाप किए का हो, कोई कुछ उसको बोल के तो दिखा है, मुंह ना तोड़ दिया ना तो नहीं।
बात यहाँ पे तुम्हारा नहीं है, बात है दीदी का। दीदी क्या करेगी जब सब लोगों को पता चल जाएगा और सब लोग उससे सवाल पूछेगा तो? बात भी तुम ठीक कर रही हो मामा, बात ना हम लोग के बीच में रहना चाहिए। किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि निम्की निम्की का? अरे भाई हमारा कमर अकड़ गया है ऐसा, पेट के बल सोना चाहते हैं हम। दीदी रुको, ये हालत में पेट के बल मत लेटो, हम डॉक्टर मैडम को बुला के लाते हैं। हाँ, 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 रुको मौवा। नहीं लेट रहे पेट के बल, इनकी कुछ खाओगी? हाँ, यहाँ सेब है, केला भी है। ब्लॉक पर चाउमीन वाला खुला रहेगा, चाउमीन खाना है। चाउमीन खाना है तुमको? हम अभी लेके आते हैं। अरे मगर इतना रात में थोड़े खुला होगा। निम्की के लिए इतना नहीं कर सकते तो कौन है बात के दोस्त? इतना रात को उसको उठा के बनवा के तब लेके आएंगे। सेटिंग है हमरा उससे, है निम्की? ये वाला बात। और सुनो, उसपे ना चिल्ली सॉस ज्यादा डलवाना। दीदी ये हालत में ये सब डॉक्टर मैडम बोली है। क्या होगा? हाँ मर जाएंगे हम। अब हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हमको कोई और बताएगा? का हमारा शरीर पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहा? हमारा शरीर बब्बू सिंह का जागीर हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना शरीर अपना आत्मा को बब्बू सिंह का जागीर नहीं बनने देंगे हम। कभी नहीं। कहा लगता है नेवर जी कही है ना? क्यों क्यों कहा है? क्या? अरे बच्चा और का जो काम कर रही है उसमें ध्यान दोगे? बड़का चाचा बनने वाले हैं आप, है ना? बस बंद करो अपना रे। अरे तो पप्पू सिंह के बेटे का चाचा ही हुए ना? क्या आपको भी लगता है कि वो वीडियो खेल खेल गया? चुप। वीडियो बाबू और निम्की के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चा कमीने पप्पू का ही है। चाचा ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया जी। अभी हवेली का वारिस निम्की देगी, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा ये घर में। हमारी माई हमेशा बोलती थी बच्चा पैदा कर ले हम ही टाल देते थे। और ये सब ना आपके घर। अब इसमें हम क्या किए? हम सोचे थे कि पहले आपका ये सब कारोबार अच्छे से चल जाए, फिर कर लेंगे बच्चा पैदा। ये जी ये हवेली को बारिश ना हम ही देंगे। हाँ इस सब के बीच में तुमको बच्चा पैदा करने का सूझ रहा है? डब्लू जी, डब्लू जी, मेरी बात सुनो। हमारा इज्जत के बारे में तो सोचिए। अरे अगर ये बारिश की मुंह में ये लोगों खाटपुला वाली को फिर से हवेली में ले आए तो अरे हम लोग का तो धुखोड़े का इज्जत भी नहीं रह जाएगा जी। हमको तो ये चिंता हो रहा है कि निम्की अब क्या करेगी। आप ना बस वो निम्किया के बारे में सोचते रहिएगा। इतना बार समझाया आपको फिर भी आप नहीं सुधरे। हाँ
बस घाट टोला बाली के बारे में सोचते रहिएगा। हमको तो ये देखना है कि देवर जी और ससुर जी आखिर क्या करते हैं, क्या होगा वो रिश्ते का। हवेली में रिश्ते नहीं, फायदा देखा जाता है। फायदा फायदा नहीं, बहुत बड़का नुकसान होने वाला है। हमका दिमाग तो एकदम उलझ कर रह गया। मलिकार भी, उनके भी सिर में बहुत दर्द है। अभी तो जाके लेटे हैं। हे दमाद जी, अभी उनको थोड़ा आराम करने दीजिए। जो भी बतियाना होगा सवेरे बतियाइएगा। ठीक। ए दमाद जी, आपको पक्का यकीन है कि वो बच्चा हमारे बब्बू का है? सच तो यही है कि हिमकिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो साले साहब का है। मतलब हम नहीं बोल रहे ऐसा, हालात के हिसाब से तो यही दिख रहा है ना। वो बच्चा हमारे बब्बू का हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। देखिए, हम भी यही आशा करते हैं कि वो बच्चा ही हवेली का खून ना। अगर ऐसा हुआ तो जितना ढिंढोरा हम साले साहब की जीत का पीटे है ना, उससे दुगना ढिंढोरा वो निमकिया ही बात का पीटेगी। पप्पू भी जो किया सो किया, छौड़ी को जिंदा काहे छोड़ दिया। ए दमा जी, हम सुने हैं कि डॉक्टर सब जांच से पता लगा लेता है कि बच्चा का असली बाप कौन है। पता तो लग जाएगा, पर कहीं पता लगा कि साले साहब ही असली बाप हैं तो साले साहब और ज्यादा फंस जाएंगे। जानते हैं, हमको तो लग रहा है कि वो छोड़ी हर बार की तरह झूठ बोल रही है। ये सब जानबूझ के नाटक कर रही है। अस्विति का वही देखी है जो छोड़ी दिखाना चाहती थी ना। ये सब चाल है हमारे बब्बू को फंसाने का। आप चिंता मत कीजिए, अस्पताल में भी स्वास्थ्य केंद्र में अपना लोग है, उनकी आके गर्भवती होने का पुष्टिकरण हम वहां से करा लेंगे। हैं? भगवान करे वो बच्चा हमारे बब्बू का ना हो। बाबू भैया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम चाचा बनने का खुशी में शराब पिए कि वो निमकी आपको फंसा ली एक कम में। हे, का बकवास कर रहे? माफ कीजिए बाबू भैया, हम दुख में बोल रहे हैं। हमको बहुत टेंशन हो रहा है। कैसा टेंशन? बाबू भैया, जो आज तक हाथ में बंदूक उठाते थे, अब गोदी में बच्चा लेके बैठे रहेंगे फुवारा के पास। कैसे लगेंगे भैया? का बोला? का बोला? हम बच्चा खिलाएंगे? हमरा कोई बच्चा नहीं है, समझा? मगर भैया वो बच्चा, मतलब वो निमकी आएगी और बोलेगी ना, पूरा गांव में हंगामा हो जाएगा भैया, सबको पता चल जाएगा। हम ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे, चाहे निमकी कुछ हो कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक बोले भैया। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब दरभंगा का बाहुबली राजू भैया, वो एक लड़की का चक्कर में फंस गया था, जोश में आके शादी कर लिए चुपके से, और वो लड़की एक बच्चा जन्म दी। हाँ तो पहले तो राजू भैया साफ मना कर दिए, मगर बाद में जब बच्चा पैदा हो गया ना, तो बच्चा का छोटा छोटा कच्चा धोते सुखाते थे। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको बड़का मालिक पे पूरा भरोसा है। ज्यादा से ज्यादा गांव वाला लोग ये बोलेंगे ना निमकिया को अपनाने के लिए, पर हमरे बाबू भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे और बड़का मालिक ऐसा होने ही नहीं देंगे, है ना बाबू भैया?